नमस्कार। आज हम करते हैं एग्जाम्पल नंबर 32। तो एग्जाम्पल 32 आपके पास है, सिद्ध करिए अनुक्रम एक्स एन जहां एक्स एन इक्वल टू है 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन अभिसारी है और इसकी सीमा 2 एवं 3 के मध्य है। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है कि अनुक्रम अभिसारी है और इसकी जो सीमा है ये 2 और 3 के मध्य स्थित है। तो देखिए यहां आपको दिया हुआ है कि जो एक्स एन 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन है, इसके अभिसारी की जांच हमें करना है। तो अभिसारी के लिए आप जांच करेंगे एकदिश वर्धमान या ह्रासमान की। सबसे पहले उसके लिए हम पहला पद ज्ञात करते हैं एक बार, x1 को आप देखेंगे n का वैल्यू 1 कर दीजिए तो ये 2 आ जाएगा, x2 n का मान 2 कर दीजिए तो 1 प्लस 1 बटा 2 और इसकी घात 2 तो 3 बटा 2 और 3 बटा 2 की घात अगर 2 कर देंगे तो ये आ जाएगा 9/4। ठीक है, इन 2 को 2 को तो अगर अपन देखते हैं तो पहला पद छोटा है दूसरा पद बड़ा है, यानी कि वर्धमान होना चाहिए, लेकिन इसके व्यापक रूप में हम जांच करते हैं। तो एक बार एन वा पद जो है इसको मैं लिख रहा हूं एक्स एन इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन एन की पावर एन, इसका हम द्विपद प्रमेय से प्रसार कर देंगे। अब द्विपद प्रमेय से जो प्रसार होता है वो किस प्रकार से करते हैं देखिए, आप 1 प्लस एक्स की पावर एन इसका जो प्रसार होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, इस प्रकार से करते हैं आप प्रसार। इसमें वैल्यू पुट करिए तो सबसे पहले जाएगा 1 प्लस एन एक्स, एक्स का मतलब यहां हो गया 1/n प्लस एन एन माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एक्स स्क्वायर, एक्स का मतलब 1/n है भाई तो आ जाएगा 1/n स्क्वायर प्लस, इससे अगला पद अगर लिख देंगे तो वो इस प्रकार से जाएगा एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 अपॉन 3 फैक्टोरियल और एक्स क्यूब का मतलब 1/n क्यूब। इसी प्रकार से इसमें जो अंतिम पद बनेगा ये आपके पास में बन जाएगा 1/n की घात n, और लास्ट में जो गुणांक होता है वो तो एन सी एन जिसका मान 1 हो जाता है, तो आपके पास में बचता है 1/n की घात n। ये तो हमने कर दिया इसका द्विपद प्रमेय की सहायता से प्रसार। अब इसको थोड़ा हल भी हम कर लेंगे तो एक्स एन इक्वल टू देखते हैं क्या बनता है, एक्स एन इक्वल टू देखिए ये आ जाएगा 1 प्लस एन से एन कैंसिल हो जाएगा तो 1 और प्लस फिर यहां भी एन से एन कैंसिल तो बचे आपके पास में 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल और एन माइनस 1 बटा एन, इसको अलग अलग कर दीजिए दोनों के बटा में तो एन के बटा में एन आ जाएगा तो 1 और माइनस 1/n प्लस यहां भी n से n कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास बचा 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल n माइनस 1 ये बचा देखिए अब n माइनस 1 n माइनस 2 और बटा में n स्क्वायर बचा ना यहां पर, अब वो जो बटा में n स्क्वायर है उसको आप ऐसा लिख सकते हैं। अब इस प्रकार से लिखा तो देखो एक बार इसको अलग अलग कर दीजिए दोनों के तो आ जाएगा 1 माइनस 1/n, दूसरा जब इसके बटा में करेंगे तभी आएगा 1 माइनस 2/n। ठीक है ना, तो ये आपके पास में आ गया भाई और प्लस अब देखो 1/n की घात n इसको भी हम लोग लिख रहे हैं तो अब ध्यान देना उसको कैसे लिखोगे, जब यहां 2 फैक्टोरियल है तो n का स्क्वायर है, 3 फैक्टोरियल है इसका मतलब n की घात 3 है तो n की घात 3 यानी 3 फैक्टोरियल, n की घात 2 यानी 2 फैक्टोरियल, n की घात 4 यानी 4 फैक्टोरियल तो n की घात n इसका मतलब यानी 1/n फैक्टोरियल। और फिर ये जो गुणनखंड होंगे ये किस प्रकार से होंगे ध्यान देना। ठीक है, तो बाकी जो गुणनखंड होंगे वो या आप इस वैसे देख लीजिए जो इसको n फैक्टोरियल से हमने गुणा भी कर दिया और भाग भी कर दिया। ठीक है, तो 1/n फैक्टोरियल को हमने ऐसा लिख दिया, अब जो ऊपर वाला n फैक्टोरियल है उसको देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल जो होता है उसका मान ऐसे होता है ना 1 2 3 n, 1 से लेकर n तक की संख्याओं का गुणा यही n फैक्टोरियल होता है, तो ये वाला जो n फैक्टोरियल था उसको आपने ऐसा लिख दिया और बटा में n की घात n बचा है
तो एन की घात एन, उसको मैं एन बार लिख सकता हूं वैसे गुणा में, ठीक है। अब देखो ये जो एन है इससे पहले वाली जो संख्या हो गई है एन माइनस वन ही हो गई, ठीक है। तो अब देखिएगा क्या बनेगा, इसको जैसे ही आप लोग हल करेंगे तो एन से एन यहां हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। अब ये जो एन माइनस वन है इसके बटा में यहां से एन को ले लीजिएगा, इसके बटा में आप लोग जैसे ही लेंगे तो एक माइनस एक बटा एन। इसी प्रकार से इससे पहले वाली संख्या की अगर बात करें तो वह एन माइनस टू होगी, और उसके बटा में आप लोग जैसे ही एन कर देंगे तो यह आ जाएगा एक माइनस दो बटा एन। और इसी प्रकार से लास्ट में अपन देखते हैं क्या बनेगा। इस प्रकार से आप लोग करते रहेंगे और लास्ट में कहां तक आ जाएगा, देखो जब दो फैक्टोरियल है तो एक बटा एन तक आ रहा है, तीन फैक्टोरियल है तब तो ये एक माइनस दो बटा एन तक आएगा। तो यहां पर एक माइनस एन माइनस वन अपॉन एन तक ये आ जाएगा। इस प्रकार से ये हमने ज्ञात कर लिया विद एक्स एन। अब एक्स एन ज्ञात कर लिया तो एक बार एक्स एन प्लस वन को भी हम लोग लिख लेते हैं। तो एक्स एन प्लस वन इक्वल टू एक प्लस एक प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल वन माइनस वन अपॉन एन, एन के स्थान पर एन प्लस वन कर देंगे ना आपकी बारिश के लिए, प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, वन माइनस टू अपॉन एन प्लस वन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन फैक्टोरियल वन माइनस वन अपॉन एन, वन माइनस टू अपॉन एन, और वन माइनस यहां जब करेंगे तो जाएगा एन बटा एन प्लस वन। ये अपने पास में आ गया एक्स एन प्लस वन। अब इसको हमने कर दिया है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और इसको हमने कर दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। और अब हम करेंगे इन दोनों पदों की कंपैरिजन, इनमें से दोनों में से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। कंपैरिजन करें तो देखिए वन वन दोनों में सेम है, फिर वन वन दोनों में सेम है, फिर वन अपॉन टू फैक्टोरियल भी दोनों में सेम है, यहां पर एक बटा एन की जगह एक बटा एन प्लस वन है। तो इनकी कंपैरिजन करके देखते हैं हम लोग क्या बनता है। भाई ये तो हम लोग जानते ही हैं कि जो एन है ये छोटा होता है एन प्लस वन से, तो दोनों पक्षों का अगर व्युत्क्रम कर लिया जाएगा तो वन अपॉन एन ये बड़ा होगा वन अपॉन एन प्लस वन से, फिर यहां दोनों नेगेटिव हैं तो इसके दोनों पक्षों को माइनस वन से मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन अपॉन एन, और जैसे ही ऋणात्मक संख्या से गुणा करते हैं ऐसा समीकरण का चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो लेस देन हो जाएगा माइनस वन अपॉन एन प्लस वन से, फिर दोनों के साथ में वन ऐड है तो दोनों पक्षों में वन जोड़ दीजिए, वन आप लोग जोड़ेंगे तो आ जाएगा वन माइनस वन अपॉन एन लेस देन वन माइनस वन अपॉन एन प्लस वन, ठीक है ना। ये आपके पास में है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक माइनस एक बटा एन, एक माइनस एक बटा एन प्लस वन से छोटा है। और इसी प्रकार बाकी सबकी जैसे आप लोग तुलना करोगे, जैसे इनके दोनों की तुलना करी इसी प्रकार से, देखो इन दोनों की तो हो चुकी है, इनकी दोनों की जैसे आप तुलना करोगे तो आप पाएंगे जैसे हमने इसको हल किया है कि एक माइनस दो बटा एन छोटा होगा एक माइनस दो बटा एन प्लस वन से। इसी प्रकार से एक माइनस तीन बटा एन छोटा होगा एक माइनस तीन बटा एन प्लस वन से। तो इसको मैं व्यापक रूप में अगर लिखूं तो वन माइनस के अपॉन एन लेस देन वन माइनस के अपॉन एन प्लस वन, और जो के का मान है ये दो भी हो सकता है तीन भी हो सकता है कहां तक हो जाएगा एन तक। तो जैसे के का मान दो कर दिया तो एक माइनस दो बटा एन लेस देन एक माइनस दो बटा एन प्लस वन, के का मान तीन कर दिया एक माइनस तीन बटा एन लेस देन एक माइनस तीन बटा एन प्लस वन, सबकी तुलना आपने कर दी। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने ये देखा कि एक्स एन का जो प्रत्येक पद है वो एक्स एन प्लस वन के संगत पद से छोटा है। तो एक्स एन का प्रत्येक पद एक्स एन एस एक्स एन प्लस वन के संगत पद से छोटा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो एक्स एन है ये एक्स एन प्लस वन से छोटा है। तो इसका मतलब आपने ये देखा
कि समीकरण एक का प्रत्येक पद, समीकरण एक का प्रत्येक पद समीकरण दो के संगत पद से छोटा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स एन है ये छोटा है एक्स एन प्लस वन से, फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, और एक्स एन छोटा है एक्स एन प्लस वन से, यानी कि एन के छोटे मान के लिए अनुक्रम का पद भी छोटा है और एन के बड़े मान के लिए अनुक्रम का पद भी बड़ा है। और इसका मतलब आप लोग जानते हैं कि जो एक्स एन है ये एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, इसलिए एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है, एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। तो हमने प्रूव कर दिया कि एक्स एन एकदिष्ट वर्तमान अनुक्रम है। तो वर्तमान के बाद में अब हम इसकी जांच करेंगे परिबद्ध होने की। तो देखते हैं परिबद्ध है या नहीं। तो देखो वर्तमान का मतलब इसका जो न्यूनतम मान है वो पहला पद होगा, जो कि आप देख चुके पहले पद का मान है दो, यानी इसका अनुक्रम का जो न्यूनतम मान है दो हो जाएगा। अब चर्चा करेंगे हम अधिकतम मान की। तो अधिकतम मान इसका देखेंगे हम लोग, अधिकतम मान किस प्रकार से देखेंगे। देखिए ये इसका एन वा पद था एक्स एन, अब यहीं से मैं एक पद बना रहा हूं इसी की सहायता से, और इसी की सहायता से जो पद मैंने बना रहा हूं वो देखना। अब ये आपके पास में हो गया एक्स एन, और यहां से मैंने एक पद ऐसा लिखा है वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस वन अपॉन एन फैक्टोरियल। क्या किया मैंने, इसमें जो एक माइनस एक बटा एन था उसको हटा दिया, यहां से भी इन दोनों मानखंड को हटा दिया, यहां से भी इन सब मानखंड को आपने हटा दिया, तो ये एक नया पद हमने बना लिया। अब चूंकि इसमें से कुछ पद हटा करके कुछ गुणनखंड हटा करके आपने ये पद बनाया है, इसका मतलब ये दोनों बराबर तो हो नहीं सकते। अब बराबर नहीं है तो कंपैरिजन करते दोनों के बीच में कौन सा छोटा होगा या कौन सा बड़ा होगा। तो उसके लिए देखना भाई एक बटा दो फैक्टोरियल एक बटा दो फैक्टोरियल ये तो दोनों में बिल्कुल कॉमन है, इसमें भी है तो इसमें भी है। अब बात करते हैं एक माइनस एक बटा एन की, उसको आप देख रहे हैं कि जो एक माइनस एक बटा एन यहां तो है लेकिन यहां नहीं है। अब उससे क्या फर्क पड़ेगा, देखो भाई यहां तो एक माइनस एक बटा एन है और यहां एक माइनस एक बटा एन नहीं है, दोनों के बीच में कंपैरिजन आपको करना है, लेस देन होगा या ग्रेटर देन होगा। तो देखते हैं दोनों के बीच में कंपैरिजन करते किस प्रकार से करेंगे। कोई भी दो संख्या लिख लीजिएगा आप लोग बराबर बराबर की, जैसे मान लीजिए या तो हम जानते हैं कि आठ बराबर है आठ के, तो जैसे एक बटा दो फैक्टोरियल एक बटा दो फैक्टोरियल, मैंने एग्जाम्पल के लिए आठ और आठ को लिख लिया है। अब आपने क्या क्या है, ये जो एक पक्ष है बायां पक्ष इसको गुणा कर दिया आपने एक माइनस एक बटा एन से, और एक माइनस एक बटा एन इसके बारे में इतना तो आप जानते ही है कि एक माइनस एक बटा एन एक से छोटी राशि है, क्योंकि एन का मान कुछ भी कर लीजिएगा तो जो भी वास्तविक संख्या है उसको एक में से आप लोग घटाओगे तो वो एक से छोटी है ना, तो एक माइनस एक बटा एन एक से छोटी राशि है। तो एक से छोटी संख्या कुछ भी आप लोग ले लीजिएगा, सपोज मैं एक बटा दो ले लेता हूं, तो देखो इस बाएं पक्ष को मैं जैसे ही एक बटा दो से गुणा करता हूं, एक से छोटी संख्या कुछ भी ले सकते हैं और उससे गुणा करिएगा, जैसे मैंने एक बटा दो लिया और उससे गुणा किया तो परिणाम आपने क्या पाया भाई कि जैसे आप एक से छोटी संख्या से गुणा करते हैं ये कि पद क्या हो जाता है छोटा हो जाता है। तो यहां भी तो एक माइनस एक बटा एन एक से छोटा ही था ना, तो एक से छोटी संख्या से गुणा किया इसका मतलब ये क्या हो जाएगा यहां पर लेस देन, ठीक है। तो इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा लेस देन इक्वल देन, इक्वल मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि सपोज एन का वैल्यू जब इन्फिनिट कर दें तो एक माइनस एक बटा इन्फिनिट ये जीरो हो जाएगा तो फिर दोनों बराबर रह जाता है, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल देन आपने कर दिया। इसके बाद में अब भी हम इसका वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते कि इसका जो मान है वो क्या आएगा, तो हम यहां से तुलना करके फिर अब इसकी सहायता से गुणोत्तर श्रेणी हम लोग बना लेते हैं। तो इससे गुणोत्तर श्रेणी कैसे बनाएंगे देखिएगा,
एक श्रेणी लिख लाऊं ऐसे, वन प्लस वन प्लस वन अपॉन टू फैक्टोरियल, तो टू फैक्टोरियल का जो मान होता है वो दो ही होता है। अब बात करते हैं तीन फैक्टोरियल की। अब जो तीन फैक्टोरियल होता है इसको आप ऐसे लिखते हैं तीन इंटू दो, यही होता है तीन फैक्टोरियल। और इसको अगर मैं ऐसा लिखूं दो इंटू दो, तीन के स्थान पर भी अगर मैं दो लिखूं तो दो इंटू दो, तो तीन इंटू दो बड़ा हुआ दो इंटू दो से। यानी कि आपने क्या देखा कि जो तीन फैक्टोरियल है ये बड़ा है दो की घात दो से। तो ये मैंने लिख दिया है यहां पर दो की घात दो, चिन्ह भी लगा देंगे और प्लस। इसी प्रकार से आप लोग देखेंगे कि जो चार फैक्टोरियल है, चार फैक्टोरियल को आप ऐसे लिखेंगे चार इंटू तीन इंटू दो, तो फिर अगर दो इंटू दो इंटू दो लिखे तीनों के स्थान पर दो कर दें तो चार का फैक्टोरियल बड़ा होगा दो की घात तीन से। तो आपने यहां देखा कि जो चार का फैक्टोरियल है ये बड़ा है दो की घात तीन से। इसी प्रकार से अगर हम एन फैक्टोरियल की तुलना करेंगे तो आप लोग देखेंगे कि जो एन फैक्टोरियल है ये बड़ा होगा एक बटा दो की घात एम, बड़ा होगा दो की घात एन माइनस वन से। लेकिन अब यहां पर देखना दो फैक्टोरियल नहीं एक बटा दो फैक्टोरियल है, तो अगर इसका व्युत्क्रम आप लोग करेंगे एक बटा तीन फैक्टोरियल जब करेंगे तो एक बटा तीन फैक्टोरियल व्युत्क्रम करने पर आप जानते हैं चिन्ह हो जाता है परिवर्तित, तो ये लेस देन हो जाएगा एक बटा दो की घात दो। तो देखो ये तो दोनों वैल्यू आपने एज इट इज लिख दी है, एक बटा दो को भी आपने एज इट इज लिख दिया, एक बटा तीन फैक्टोरियल इसको मैं क्या लिख सकता हूं लेस देन, चिन्ह से ना तो लेस देन लगाएंगे अब यहां एक बटा दो की घात दो। इसी प्रकार से जो एक बटा चार फैक्टोरियल था वो भी हो जाएगा लेस देन एक बटा दो की घात तीन। इसी प्रकार से जो एक बटा एन फैक्टोरियल है ये भी आपके पास में जाएगा लेस देन, जब व्युत्क्रम कर दोगे तो एक बटा दो की घात एन माइनस वन। तो ये आपने बना दी एक गुणोत्तर श्रेणी। तो अब इस गुणोत्तर श्रेणी को हम हल कर लेते हैं, तो जाएगा एक्स एन लेस देन वन प्लस, देखो इस वन को छोड़ दिया जाए पहला पद को तो इससे आगे ये पूरी गुणोत्तर श्रेणी बन जाती है जिसमें कुल कितने पद हैं एन, एन पद क्यों देख सकते हैं दो की घात एक होगा ना दो का मतलब, तो एक से लेके एन माइनस वन तक एन माइनस वन पद हो गए और एक पद भी टोटल एन पद हो गए, एन पद हो गए। तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल का फॉर्मूला लिख लीजिएगा, तो गुणोत्तर श्रेणी के एन पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है एस एन इक्वल टू ए इंटू वन माइनस आर की पावर एन और बटा वन माइनस आर। इसमें वैल्यू पुट कर लीजिए इसका योग आपको मिल जाएगा। तो वैल्यू पुट करेंगे सबसे पहले ए, ए यानी कि प्रथम पद जो कि वन ही है यहां, तो यह आ जाएगा वन डॉट वन माइनस आर की पावर एन, आर का मतलब है सर्वानुपात, तो यहां सर्वानुपात है एक बटा दो, तो एक बटा दो की घात एन और बटा वन माइनस आर, आर का मतलब है एक बटा दो ही है तो यह आपके पास में आ जाएगा एक बटा दो। एक्स एन लेस देन वन प्लस, अब देखिएगा इसको हल कर लीजिए एक माइनस एक बटा दो, एक बटा दो आ जाएगा और ये जो एक बटा दो जब उल्टा हो जाएगा तो दो ऊपर की तरफ आ जाएगा, दो ऊपर की तरफ जब आ गया तो एक माइनस एक बटा दो की घात एन, ठीक है ना। तो एक्स एन लेस देन वन प्लस, वन प्लस इस दो को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप अंदर की तरफ, मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो को एक से मल्टीप्लाई कर दोगे दो आ जाएगा और माइनस दो इंटू एक बटा दो की घात एन ये वाला, तो बन जाएगा एक्स एन लेस देन एक प्लस दो आपके पास में जाएगा तीन माइनस दो से दो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा एक बटा दो की घात एन माइनस वन, ठीक है ये आपने प्राप्त किया। तो देखो तीन माइनस एक बटा दो की घात एन माइनस वन इसका मतलब क्या हुआ तीन माइनस, तीन में से घटा हो गया कुछ भी, तो तीन में से आप कुछ भी घटाएंगे कोई भी छोटी से छोटी संख्या घटा लीजिएगा आप लोग, जो वैल्यू आपको प्राप्त होगा वो आएगा तीन से छोटा। इसका मतलब ये जो एक्स एन का ये जो मान है ये आपके पास में आएगा तीन से छोटा। फॉर ईच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन,
और ये भी आप लोग देख चुके हैं, अधिकतम मान मिल गया और न्यूनतम मान आपको पहले से पता है कि कितना है, दो। इसका मतलब क्या हुआ कि इस अनुक्रम का जो प्रत्येक पद है दो से बड़ा होगा लेकिन तीन से छोटा होगा। तो इसका मतलब हमने देखा कि टू लेस देन एक्स एन लेस देन थ्री फॉर इच ऑफ एन बिलोंग्स टू एन, यानी कि जो अनुक्रम है वो कैसा है, परिबद्ध है। इसलिए अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है, अनुक्रम एक्स एन परिबद्ध है। तो अनुक्रम एक्स एन हो गया परिबद्ध, और साथ ही में फिर आपको यह भी बताना, अच्छा एग्जिस्ट वर्तमान हो गया और परिबद्ध हो गया, इसका मतलब अनुक्रम एक्स एन अभिसारी भी है। तो इसलिए हम कहेंगे कि अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है, अनुक्रम एक्स एन अभिसारी है। ठीक है, मैं सिद्ध कर दिया कि जो अनुक्रम है यह अभिसारी है। इसके बाद में भी सिद्ध करना है कि इसकी जो सीमा है दो और तीन के बीच में है। तो ये आप लोग देख चुके हैं कि जो इसका एक्स एन का जो मान है दो और तीन के बीच में है, तो इसका लिमिट कर दीजिएगा, इसका पूरे का लिमिट करेंगे तो देखो दो और तीन तो कॉन्स्टेंट राशियां हैं, इसलिए इनका तो कॉन्स्टेंट राशि का जो लिमिट है वो खुद ही होती है। तो ये हो जाएगा तथा दो तो दो ही रह जाएगा, लेस देन लिमिट एक्स एन और लेस देन तीन का लिमिट तीन ही रहेगा क्योंकि अचर राशि है। तो एक्स एन का जो लिमिट है ये दो और तीन के मध्य स्थित है।